What's up guys, this is Naveen and आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 17 की कुछ टॉप 3 थीम्स के बारे में, जिसके अंदर आपको स्टैंड बाई मोड, डेप्थ इफेक्ट, AOD मोड जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थीम जिसका नाम है हाइपर वन, सिंपल डाउनलोड मारिए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई जाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। आइकन्स की बात करेंगे तो आइकन्स देख सकते हो, हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं, जो कि कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें नीचे डॉक बार भी देखने को मिलता है। ऊपर में बात करेंगे तो ऊपर हमें कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिलती है, एंड उसके ऊपर मिलता है हमें डायनेमिक आइलैंड, जो कि कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ आता है। एंड दोस्तों कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करते हैं तो उस टाइम ये डायनेमिक आइलैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करोगे तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल है एंड ब्लरी इफेक्ट के साथ आता है। जो हाईलाइट फीचर है वो है दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन, आप लॉक स्क्रीन देख सकते हो कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ देखने को मिलती है। ऊपर में हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर यहाँ पे आप स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाई मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सारी लॉक स्टाइल के साथ आता है। स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आपका AOD मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड बॉटम में आप देख सकते हैं कुछ हमें एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं, जिनको प्रेस एंड होल्ड करके रखने पर आपको इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके नीचे मिलता है हमें फोकस मोड एंड दो शॉर्टकट्स। एंड दोस्तों इस लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप वन बाई वन चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सेकंड थीम जिसका नाम है ZeeZoo। सिंपल इसको डाउनलोड मारिए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई जाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। आइकन्स की बात करेंगे तो आइकन्स आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है। एंड ऊपर में हमें कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ आती है। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफी ब्यूटीफुल कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इस थीम का जो हाईलाइट फीचर है वो है दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन, देख सकते हो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे स्टैंड बाय मोड देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी मैं यहाँ पे दोस्तों स्वाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का जेस्चर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट वाला फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आपका AOD मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। नीचे में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है, जिनको आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस मोड भी देखने को मिल जाता है एंड दो शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों इस लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे बॉटम में डबल टैप करना है, आपको यहाँ पे काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं अपनी नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल थीम जिसका नाम है लाइट V12। सिंपल इसको डाउनलोड मारना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। आइकन्स भी आप देख सकते हो, ये भी हमें कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है। तो ऊपर में हमें ये एक विजेट देखने को मिलती है, जिसको जब भी मैं अपने फोन को शेक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। एंड तो इसको आपको मैनुअली चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आपको टैप करना है। एंड आप देख सकते हैं हमें काफी सारे विजेट स्टाइल देखने को मिलते हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। एंड इसके जो टॉगल्स है वो आपको चेंज देखने को मिलते हैं। एंड इस थीम का जो हाईलाइट फीचर है वह दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन, आप लॉक स्क्रीन देख सकते हो कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ देखने को मिलती है। ऊपर में हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। एंड विजिट देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप की मिलती है, जो कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड नीचे में आपको एक फोकस मोड देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको दो शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड सिंपल इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको बॉटम में डबल टैप करना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज के काफी सारे फीचर्स ओपन हो जाते हैं, जिनको आप वन बाई वन चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको काफी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिलता है मिल जाते हैं, जो कि आप इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने फोन को कस्टमाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।